ऑल ऑफ यू लेट्स लर्न ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 182 ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ होम टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम। द लिविंग ऑर्गेनिजम आर क्लासीफाइड इंटू आर फॉलोइंग टाइप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हिटरोट्रॉप्स और सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। मतलब कि जोड़े फॉरैसट है, जंगल आ, वो फूड फूड के नाल होम भी प्रोवाइड करते हैं कि कई तरह के ऑर्गेनिजम, ऑटोट्रॉप्स, हिटरोट्रॉप्स और सैप्रोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड आ ऑटोट्रॉप्स। जोड़े पौधे अपना भोजन आप तैयार करते हैं उन्होंने ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं। हार्बीवोर्स ईट ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रास, कार्निवोर्स ईट हार्बीवोर्स। जिहड़े हार्बीवोर्स आ वह की खाते हैं, हरे पत्ते, हरे प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो घा खाते हैं। जिहड़े कार्निवोर्स आ वह हार्बीवोर्स नूं खाते हैं। दस अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फ्रॉम फूड आर कॉल्ड आ कंज्यूमर और हिटरोट्रॉप्स। मतलब इहदा मतलब यह हो गया कि जिहड़े फूड दे लई एक दूजे ते डिपेंड आ, ठीक है, इनू की बोलते कंज्यूमर जा हिटरोट्रॉप्स। इफ देयर वर नो प्लांट्स हार्बीवोर्स एंड देयर बाय कार्निवोर्स विल गैट नॉट गैट फूड। जेकर कहिंदे प्लांट्स नहीं होणगे हार्बीवोर्स की खाणगे, ते जे हार्बीवोर्स नहीं होणगे तां कार्निवोर्स भी की खाणगे, ठीक है। सो इट मीनस अल्टीमेटली ये डिपेंड करते एक दूजे ते। अ नंबर ऑफ मशरूम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आलसो फाउंड इन फॉरैसट। नंबर ऑफ मशरूम तो माइक्रो ऑर्गेनिजम मिलते हैं फॉरैसट में। They feed upon dead plants and animal tissue and convert it into humus। ये की करते हैं जिहड़े डैड ते डिकेइंग प्लांट्स होंदे उन्हां नूं खा के हमस च कन्वर्ट करते हैं, इन्हों बोलते हैं डिकम्पोजर। द ह्यूमन इंश्योरस दैट न्यूट्रिएंट्स ऑफ डैड प्लांट्स एंड एनीमल्स आर रिलीज्ड इन टू द सॉयल। ये जिहड़ी हमस है द्वारा रिलीज़ कर दी जाती है मिट्टी दे विच, ठीक है, या फिर जाने के मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है। वैन एनीमल्स डाई, जो जानवर मर जाते हैं, देयर रिमेन्स आर ईटन बाय वॉलंटियर्स ईगल्स। मतलब कि जोड़े जानवर मर जाते हैं वो कि द्वारा खाधे जाते हैं, ईगल्स द्वारा या जैकल द्वारा। दीज एनीमल्स नूं आपां की बोलते हैं, स्कवेंजर्स बोलते हैं। इन दीज डे इन दिस वे द साइकल कॉन्टीन्यू एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल। ये जोड़ा साइकल है लगातार चलता रहता है। नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरैसट, कुछ भी फॉरैसट के वेस्ट नहीं रहता। फूड चेन की होंगी है, अ ग्रॉस होपर ईट ईट ग्रास विच इन टर्नस इज ईटन बाय अ फ्रॉग। ग्रॉस होपर जिहड़ा हुंदा आ हरा घा खांदा आ, ठीक है, तो ग्रॉस होपर किहदे द्वारा खाधा जांदा, फ्रॉग द्वारा। तो स्नेक किहनू खांदा आ, फ्रॉग नू खांदा आ। वाइल ईगल ईट्स स्नेक, ईगल किहनू खांदी आ, स्नेक नू। सो ये की एक तरह का फूड चेन आ, जिदा देखो ग्रास नू ग्रास होपर खांदा आ, तो इहनू खांदा फ्रॉग, फ्रॉग नू खांदा स्नेक, स्नेक नू खांदी ईगल। इस तरह फूड चेन बनिया रहिंदा है, ठीक है, बैलेंस बनिया रहिंदा है, क्लीयर। उस तो बाद देखो नैक्सट, वट वुड हैपन इफ फॉरैसट हैड टू डिसअपीयर। जे फॉरैसट जंगल नहीं होणगे, पहले तो तुसी अपने आप सोचो की नहीं होगा। फॉरैसट आर बीइंग क्लीयर्ड एट वेरी फास्ट रेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरैसट और लार्ज स्केल फॉलिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डीफॉरस्ट्रेशन। मतलब कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए लोग की कर रहे हैं, डीफॉरस्ट्रेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। द ग्लोइंग पॉपुलेशन इज रिस्पोंसिबल, जिहड़ी वधदी हुई पॉपुलेशन आ, वधदी आबादी आ, इहदा मेन रीज़न आ। इफ फॉरैसट इज डिसअपीयर, जे जंगल नहीं होणगे की होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिहड़ी आ उह ज़्यादा वधेगी, यानी कि जिहदे नाल रिस्क किहदा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। उस तो बाद एनीमल्स नूं फूड नहीं मिलेगा, शैल्टर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जे ट्रीज़ नहीं होणगे, ठीक है, तो जिहड़े डेंजर एनीमल्स आ उह इधर उधर एवें फिरदे होणगे, ठीक है, तो वो सानू भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर डीफॉरस्ट्रेशन विल कॉज सर्व फूड सॉयल, मतलब कि जे जंगल नहीं होणगे, हड़ आउणगे, मिट्टी का खुरन होगा, ठीक है, तो जिहदे नाल की होगा, विल नॉट होल्ड, क्योंकि देखो जे फॉरैसट जिहड़े उन्हां दी जड़ां मिट्टी नूं जकड़ के रखदियां है, उहदे नाल सॉयल इरोजन ते फ्लड्स नहीं आउंदे। फॉलिंग ऑफ ट्री मे ऑलसो लीड टू, मतलब ये सोका भी पै सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्खा का कारण मेन बनते हैं ना, आप रीड किया कि यूजिज की है, वर्खा नहीं आऊगी तो सोका तो होना ही है। वी विल नॉट गैट, असी वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं गैट कर सकेंगे, जिदा मैंडिसन तो टिम्बरस वगैरह असं लेंदे हैं। नैक्सट, उस तो बाद कंजरवेशन किदा बचा सकते हैं अभी उन्होंने, पहला तो हैगा अफॉरस्ट्रेशन। लार्ज नंबर ऑफ प्लांटिंग जी जिदा गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए जाते हैं किन्ने सारे पेड़ पौधे, उन्होंने अफॉरस्ट्रेशन कहते हैं। प्रिवेंट ओवरगेजिंग, ज़्यादा ओवरगेजिंग जी, ज़्यादा कटाई जी, प्रिवेंट करना चाहिए है।
चराई जिहड़ी आ ओवर ग्रे उहनूं बंद करना चाहिए। नैक्सट प्रोटैक्शन फ्रॉम फॉरैसट फायर, सानूं जिहड़े फॉरैसट फायर आ उहनां दी प्रोटैक्शन करनी चाहीदी आ, जंगलां नूं अग ना लगे। प्लांट कल्टीवेशन, अ फॉरैसट मस्ट नॉट बी क्लीयर्ड ऑफ ट्री एंड कन्वर्टड इनटू एन एग्रीकल्चर लैंड एज दिस विल कॉज सोइल इरोजन। यानी कि कई की करते फॉरैसट नूं कट देंदे आ, लैंड नूं क्लीयर कर देंदे आ ट्रीज़ नूं कट के, क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर उत्थे खेती करनी हुंदी आ, उहदे नाल की हुंदा आ सोयल इरोजन जिहड़ी आ उहदा कारण बनदे आ। फॉरैसट मस्ट बी प्रोटैक्टड फ्रॉम इनसैक्ट एंड पेस्ट, जिहड़े आ कीड़े मकौड़े उन्हां तों बचा के रखना चाहिए। इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज़ मस्ट बी स्टॉप, यानी कि बिना जिहड़ी इलीगल कटिंग हुंदी आ, लीगल नहीं हुंदी जिहड़ी, ठीक है, उन्हां रोकना चाहिए। गवर्नमेंट्स दे अकॉर्डिंग कोई पनिशमेंट लॉ बनाने चाहिए। ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सोयल इरोजन मस्ट बी स्टॉप, जिहड़ियां एक्टिविटीज़ नाल सोयल इरोजन हुंदा है उहनूं ख़त्म करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ठीक है, जिहदे नाल असीं इहनूं बचा सकदे हां, ठीक है, ओके। बाकी जिहड़ी इहदी बैक एक्सरसाइज़ आ उह असीं कल डिस्कस करांगे, ठीक है। तुसीं इहनूं चंगी तरह रीड कर लेना है चैप्टर नूं, क्लीयर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक गल सॉरी होर कहनी सीगी मैं, स्टूडेंट्स साढ़े जिहड़े चैप्टर हो गए ने, मैं तुहानूं इंडैक्स दिखा दिंदी एक बारी। हाँ जी, अपने चैप्टर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, और 5 भी, 6 भी, 4 असी नहीं किया, उस तो बाद 14 चैप्टर हो गया, 17 चैप्टर हो गया, टोटल साढ़े 7 चैप्टर जिहड़े आ फिनिश हो गए, ठीक है। उस तो बाद हुण असी एक चैप्टर होर करना है, ठीक है, दैट उस तो बाद कोई होर चैप्टर नहीं करना, इहदे नाल थोड़ी फस्ट टर्म जिहड़ी आ फिनिश हो जाऊगी, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और तुसी सारे बच्चों ने जिहड़ियां अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेनियां आ, मैं टेस्ट हुण जल्दी ही स्टार्ट कर देने आ, किसी का काम भी पेंडिंग ना हो, मैं ईवन सारे दी पहला नोटबुक्स चैक भी करनियां ने, आफ्टर दैट स्टार्ट करने टेस्ट, ओके, थैंक यू।